देखो, ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हम बता दिए हैं कि ये किससे होता है, कौन सा एजेंट है जिसको कॉज करता है। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है इसको कॉज करने वाले हैं फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, ठीक। उसके बाद इसका सिम्टम्स कैसा होता है, तो इसका सिम्टम्स हमको लीव में दिखेगा, प्लांट जो पोटैटो का प्लांट है क्योंकि ये आलू के पेड़ में होता है, तो आलू के पेड़ की जो पत्ती है उसमें दिखेगा, और आलू का पेड़ का जो ट्यूब होता है, ठीक, मतलब जो आलू होता है ऐसे ट्यूब जहां से आलू बड़ा होगा, ये उसमें दिखता है। होता क्या है कि पत्ती के किनारे किनारे क्या कर लेगा, पूरी तरह से स्पॉट बना देगा, ठीक, इस तरह से पूरा एकदम गड्ढा कर देगा, डार्क कर देगा, ये एकदम पहले भूरे कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लैक कलर में ये बदल जाएगा। फिर ब्लैक कलर बदलने के बाद क्या होगा डियर, कि क्या कहते हैं, सेम यही चीज ये क्या करेगा, इस ट्यूब में कर देगा, और फिर ये हाइड्रोटिक कर देता है। हाइड्रोटिक मतलब होता है कि पानी वहां से खत्म कर देता है, जहां पे होता है वहां पे पानी खत्म कर देता है। फिर क्या होता है, साथ ही साथ वहां पानी खत्म कर देगा। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर कहीं से आप पानी हटा दोगे, कहीं भी चीज लिक्विड निकाल दोगे, तो वो चीज एकदम सूखी हो जाएगी, झुरझुरियां पड़ जाएंगी, व्रिंकल्स पड़ जाएंगे ना। सेम जिस तरह जैसे जब ठंडी का मौसम आता है, तो उस समय क्या होता है, ठंडी के मौसम में क्या होता है कि जब आपके होंठ सूख जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपके होंठ में व्रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक। या फिर आप जब पानी का कम सेवन करते हो तो तब क्या होता है, तभी भी पानी कम सेवन से क्या होता है कि आपके होंठ सूख जाते हैं, तो सेम उसी तरह व्रिंकल्स जो है इन दोनों में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसे पहले साइड में लगा, ठीक, लेकिन धीरे धीरे भाई साहब ये पूरी की पूरी पेड़ में लगा लेता है, मतलब पूरे पेड़ को नष्ट कर देता है, ठीक। ये है इसका सिम्टम। अब सिम्टम्स के बाद सेम यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि, और कभी होता है कि जनवरी के महीने में होता है, पूरा क्या कहते हैं हाइड्रोटिक स्पॉट, मतलब पानी की कमी कर देगा, पूरा एकदम साइड में किनारे एक मार्जिन टाइप का बना लेगा। उसके बाद ये पूरे के पूरे इसी तरह से पूरे पत्ते पूरे पेड़ में क्या कहते हैं निकल जाए लग जाएगा, और जिसके बाद परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि जो होस्ट है हमारा, जो मतलब हमारा पेड़ है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और बहुत बुरा स्मेल करेगा, बहुत फॉयल स्मेल, मतलब होता है बहुत गंदी स्मेल ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं होस्ट और पैथोजन के रिलेशनशिप की, होस्ट और पैथोजन का संबंध कैसा होता है। तो क्या करता है कि जो ये पैथोजन होता है, ठीक, वो जो एजेंट, कौन एजेंट, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, जो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस जो ये एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो बीमारी हो रही है, ये क्या करेगा कि ये जो सेल होता है ना, जिसे पत्ती है या फिर ट्यूब जो भी हो, जिसका भी सेल होता है, पूरे उसके सेल के अंदर चला जाएगा। अब पूरे सेल के अंदर पूरा एकदम अच्छे से एकदम फैल जाएगा, देखो ये जो है ना, ये पूरे अच्छे से फैल जाएगा, और फैलने के बाद क्या करेगा कि ये वहीं से क्या करेगा, नरिशमेंट लेना शुरू करेगा। नरिशमेंट मतलब क्या होता है, अपना खाना पानी वहीं से वो शुरू कर लेगा, ठीक है। अब खाना पानी जब शुरू कर लेगा तो स्वाभाविक से बात है इसका ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो ये आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये पूरी परिवर्तन एक तरह से पूरे पेड़ में जो है पूरी तरह से ये फैल जाएगा और पूरे पेड़ को ये नष्ट कर देगा, ठीक। यहाँ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके मौसम की, तो इसका मौसम का कैसा संबंध है, तो पर्यावरण इसका संबंध ये होता है कि इसको कम से कम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक। और मौसम कैसा होना चाहिए, बादल होने चाहिए, नमी पड़नी चाहिए, हल्की हल्की बारिश होनी चाहिए, उमस होना चाहिए, और जो टेम्परेचर हो, जो वहां का तापमान हो, कम से कम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब ये बीमारी पेड़ में लग जाती है, ठीक, इतना होना चाहिए। अब इस बीमारी का साइकिल क्या है, इसकी मतलब जीवन चक्र क्या है इस बीमारी का, तो इस बीमारी का जो जीवन चक्र है वो कुछ इस तरह से है कि समझो जैसे कि क्या हुआ कि पत्ती में लग गया, ठीक। अब ये जब ये पत्ती में लग गया, या फिर ये क्या हुआ, ये ट्यूब में लग गया, ट्यूमर जो है उसमें लग गया, तो इसमें लगने के बाद क्या होता है कि ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है, तो पहला इंकुलेशन वो होता है जहां से आता है, तो ये आता है मिट्टी से, आपके सॉयल से आता है, ठीक, ये मिट्टी में पाया जाता है, तो ये आपकी मिट्टी से आता है, क्या होगा कि मिट्टी से फिर पेड़ में जाएगा, पेड़ में कौन सा, या तो ट्यूबर में जाएगा तो पत्ती में जाएगा, वही यही दोनों जगह ये दिखाता है अपना सिम्टम्स, इसका लक्षण यही आपको देखने को मिलता है। जैसे इंसान को बीमारी होती है, बुखार हो गया, तो लक्षण कैसे हो जाता है, पूरी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है ना, तो सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों लक्षण है, पत्ती और या फिर ट्यूब में क्या कहते हैं, इनका लक्षण दिख जाता है हमको। फिर उसके बाद क्या होगा कि वहां तो गया, अब ये क्या करेगा कि जो ऊ स्पोर से एंथ्रिडियम और यूगोनियम बनाएगा। एंथ्रिडियम कौन है, ये होता है मेल मेंबर, ठीक, एंथ्रिडियम जो होते हैं वो मेल होते हैं, यूगोनियम क्या होते हैं, फीमेल होती हैं। इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मेटिंग के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाता है, ये जूस्पोरजिनिया बनाता है।
जू स्पोरजेनियम से फिर क्या होता है, जू स्पोर बनाता है, और यही जू स्पोर जो है ये क्या है, ये बेबी पैथोजन है। ठीक, अब ये बेबी पैथोजन क्या करेगा कि इसी तरह जाके सेल्स में, मतलब पत्ती या फिर ट्यूबर किसी के भी सेल्स में जाके बैठेगा, और इसके एक जम ट्यूब होता है, जैसे कि ये है तो इसका जम ट्यूब होता है। इस जम ट्यूब के जरिए क्या करेगा, ये पूरी पत्ती में फैल जाएगा, और पूरा फैलने के बाद क्या करेगा, नरिशमेंट लेना शुरू करेगा, मतलब खाना पानी शुरू करेगा, फिर बड़ा होगा। तो इसी तरह से ये भी अपनी साइकिल को चलाएगा आगे, और जब पूरी अपनी ये साइकिल चलाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा के पूरा जो पेड़ है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पोर्स, बहुत सारे बेबी पैथोजेंस जनरेट होंगे, तो पूरे के पूरे पेड़ को ये नष्ट कर देगा इसी तरह। ठीक, तो पहला स्टेज कौन सा होता है, पहला इंक्यूबेशन स्टेज वो होता है, इंक्यूबेशन मतलब होता है आना, पहला स्टेज वो होता है जब वो मिट्टी से पेड़ बन जाता है। ठीक, ये पहला हुआ। दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेज वो होता है जब वो पेड़ से पूरी जगह पूरे पेड़ में फैल जाता है, वो दूसरा होता है। ठीक, कोई भी पैथोजन होता है वो अपने दो इंक्यूबेशन हमेशा करता है। ठीक है, इसी से हमेशा याद रखना, कोई भी पैथोजन अपने दो इंक्यूबेशन करता है। ठीक, ये हो गया क्लियर। यहाँ के बाद फिर क्या चीज है, अब यहाँ के बाद ये चीज है कि जैसे कि लिखा हुआ है प्राइमरी इन्फेक्शन, देखो बता रहा है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, पहला शुरुआती जो होता है, प्राथमिक जो बीमारी होती है वो कहाँ से कैसे होती है कि पहले ट्यूबर में जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बीज में रहेगा, बीज से ट्यूबर में जाएगा। ठीक, जैसे कि ये बीज है, समझो हमारा किसका बीज है, आलू का बीज है, अब ये बीज से क्या करेगा, ट्यूबर में जाएगा, या फिर जो सॉयल है, सॉयल में प्रेजेंट होगा, मिट्टी में प्रेजेंट होगा, तो मिट्टी से ट्यूबर में जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर पत्ती में जाएगा, ये सेकंड इंक्यूबेशन शुरू हो गया। जब पत्ती में जाएगा या फिर ट्यूबर में जाके लग जाएगा, और वहां पूरी उसके सेल्स में, उसके जो जितनी भी सेल्स कोशिकाएं होती हैं, वहां पूरी तरह से जब फैल के उनसे अपना भोजन पानी लेना शुरू करेगा, तो वो दूसरा प्रक्रिया अपना शुरू कर लिया है। फिर क्या होगा कि जब भोजन पानी लेगा तो फर्टिलाइजेशन, फिर भी अपने जीवन रिप्रोडक्शन भी करेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उस समय क्या होगा कि वो अपने, जैसे कि वंश होते हैं, अपने परिवार होता है, परिवार को पढ़ाएगा। तो इस तरह से करते करते क्या होगा कि ये जो पूरा पैथोजन है ये पूरी तरह से पूरी जगह फैल जाएगा। अब एक चीज जान लो कि ये बायफेजलेट होते हैं, बायफेजलेट मतलब इनके पास दो हाथ पैर होते हैं। ठीक, अभी फैजला जो होता है, फैजला क्या काम करता है, ये जो फैजला वर्ड है क्या काम करता है, तो ये फैजला होता है इनको चलने में बड़ी मदद करता है, जैसे हमारे हाथ पैर हमको चलने में मदद करते हैं, सेम उसी तरह जो फैजला होता है इनको चलने में मदद करता है। ठीक, अब फिर क्या होगा कि इनको चलेगा ये पूरी तरह से पूरे, मतलब अपने सेल्स में, पत्तियों के सेल्स में, फिर ट्यूबर में जाके अपना नरिशमेंट लेंगे, खाना पानी करेंगे। खाना पानी करने के बाद क्या होगा, ये इनका सेकंड इंक्यूबेशन था, मतलब दूसरी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये पूरी तरह से फैलने के बाद अपने इसी तरह से पूरे परिवार को पढ़ाएंगे और पूरे पेड़ में फैल जाएंगे। पूरे पेड़ में जब ये फैल जाएंगे तो पूरे पेड़ को ये नष्ट कर देंगे। ठीक, और ये कब लगते हैं, अब ये तो हो गए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर से अपने जो, मतलब ये मिट्टी में जाके कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। जब ये कहीं ना कहीं मिट्टी में जाके बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये वो अब नेक्स्ट क्रॉप, जब आप दूसरी क्रॉप लगाएंगे, जब दूसरी फसल लगाएंगे दूसरी बार, तभी भी ये आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये इनकी पूरी प्रक्रिया होती है। अब इनको रोकने के भी कुछ उपचार होते हैं, इनको हम रोक कैसे सकते हैं, तो इनको रोकने के उपचार ये है कि हम रेजिस्टेंस वैरायटी की चूज यूज करें, मतलब ऐसे पेड़ उठाएं जैसे कि बीटी क्रॉप्स हो गए, एचआईवी सीड्स हो गए, तो इन सब उठाएं, तो इससे क्या होगा कि ये जो बीमारी है फैल नहीं पाएगी। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉप्स कौन से होते हैं, वो रेजिस्टेंस क्रॉप वो होते हैं जिनमें पहले से प्रतिरोधक क्षमता का गुण होता है। ठीक, इनमें प्रतिरोधक क्षमता, जिनमें प्रतिरोधक क्षमता का गुण नहीं होता है, उनमें क्या होता है कि जो बीमारी है वो लग जाती है, और जिनमें होता है बीमारी उसमें नहीं लग पाती है। ठीक, फिर क्या बता रहे हैं कि हम क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन मतलब जैसे कि इस बार हम आलू लगाए, अब दूसरी बार आलू नहीं लगाए, थोड़ा सा बदल दें, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और फिर क्रॉप रोटेशन इसको भी कहते हैं कि जैसे कि आज अलग वैरायटी, फिर इस बार अलग वैरायटी, दूसरी अलग अलग वैरायटी का क्रॉप लगाए। फिर हम क्या करेंगे कि हम डिसीज फ्री, हम ऐसे बीज या फिर ऐसे ट्यूब उठाएं जिनमें बीमारी ना लगी हुई हो। जैसे कि इस साल मानो आपने खेती की, आपने उसमें बीमारी लग गई, तो आप अब उसको मत लगाना, उसके बीज को मत लगाना, आप दूसरे बीज को उठाओ, वरना वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो पैथोजन वहां लगाओगे, फिर उसमें वहां बीमारी फिर से वो लगेगी और पूरी आपकी फसल को नष्ट। ठीक,
अब कुछ फंगिसाइड को यूज कर, तो फंगिसाइड जब हम फंगिसाइड का छिड़काव कर देंगे, क्योंकि सर जब आप इनका छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा, वो किल हो जाएंगे और जबकि फसल है वो नष्ट नहीं हो पाएगी, रहेगी सुरक्षित रहेगी। ठीक।